Hello and welcome everyone to the NetSet Corner YouTube channel. In this lecture, I am going to continue settlement geography importance questions. In the part number 1, I already discussed first 25 questions. In this lecture, I am going to discuss second part of this lecture, settlement geography, and here I discussed from 26 to 50 questions. Okay. So, if you are new to this channel, please subscribe this channel and press the bell icon. So, without delay, let's get started. So, first question, question number 26. The concept of Garden City was propounded by Garden City concept किसने दिया था? जी मेडरल ने, फ्रैंक सी एवेनेजर हवर्ड ने एंड नंबर डी क्लारेंस पेरी. तो इसका जो आंसर है वो है नंबर सी एवेनेजर हवर्ड. क्वेश्चन नंबर 27. द कंसेप्ट ऑफ अमलैंड वॉज गिवन बाय अमलैंड कंसेप्ट किसने दिए हैं? जी के जीफ वेल्डर वेल्डर क्रिस्टलर वैन क्लिफ एंड ले कॉर्बुज़िए. तो इसका जो आंसर है वो है नंबर सी वैन क्लिफ. ओके, वैन क्लिफ ने दिए हैं आपका अमलैंड कंसेप्ट. सो क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया? सो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया के ट्रेंड क्या है. फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अर्बन पॉपुलेशन इज राइजिंग स्लोली. ये जो है आपका गलत है स्टेटमेंट. अर्बन इज फॉलिंग, ये भी गलत है. अर्बन पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, ये सही है. ग्रोथ रेट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज लोअर देन द टोटल, ये भी गलत है. तो इसका जो आंसर है वो है ना अर्बन पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली. ओके, रैपिडली जो है अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है इंडिया में. देन क्वेश्चन नंबर 29. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एज पोस्टुलेटेड बाय लुइस मॉन्फोर्ट? लुइस मॉन्फोर्ट ने जो स्टेजेस दिया है अर्बन डेवलपमेंट के, ठीक है, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन देखिए, इकोलोपोलिस, पॉलिस, मेट्रोपोलिस एंड मेगालोपोलिस. ये जो आपका ऑप्शन है स्टेडिज है स्टेजेस, ये करेक्ट स्टेडिज है. ठीक है, करेक्ट स्टेजेस ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट बाय द लुइस मॉन्फोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया इज? इंडिया की देखिए सबसे अर्बनाइज स्टेट कौन सा है? पंजाब, गोवा, नागालैंड एंड सिक्किम. तो इसका जो आंसर है वो है गोवा. यहाँ पर देखिए देख सकते हैं गोवा का 62.17%, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, गोवा में. देन सेकेंड नंबर पे है मिजोरम, देन फॉलोड तमिलनाडु, देन केरल, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात. ओके, तो यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ है वो आप लिख लीजिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है, हम लोग को मैच करना होगा. ठीक है, एक में थियोरीज दिया गया है और प्रोफाउंडर, मतलब प्रो किसने दिए हैं, ये प्रोपाउंडर होगा शायद. चलो कोई बात नहीं, हम लोग को मैच रहना होगा. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए ए नंबर ऑप्शन, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल. ये कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल किसने दिए हैं? ठीक है, इसका जो आंसर है वो है ईडब्ल्यू बर्गेस. देन सेक्टरल मॉडल, सेक्टरल मॉडल गिवन बाय होमर व्हाइट एंड डेविस. एंड मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल गिवन बाय हैरिस एंड वुलमैन. एंड एक्सप्लॉइटिव मॉडल इज गिवन बाय दी विलियम बूंज. ओके, देन डी फॉर टू, देखिए डी पे कहाँ पर टू है, डी पे है आपका टू यहाँ पर, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है. ठीक है, तो ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नंबर बी. यहाँ पर देखिए आपको ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखना होगा. ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल थियोरी अर्बन डेवलपमेंट की, ठीक है, किसने दिए हैं? ई डब्ल्यू बर्गेस ने कौन सी ईयर में दिए हैं?
इसको ये जो थ्योरी है इसका पोस्टुलेशन डेट लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर जो है आप 1912 ये ही लिखिए, 20 यही सही रहेगा, ठीक है। तो किसी बुक में देखिए 1924 भी है और किसी बुक में 1927 भी है, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी 1920s, ओके। और ये बेस्ड है ये मॉडल शिकागो सिटी के ऊपर अमेरिका की। देन सेकेंड मॉडल देखिए, द सेक्टोरल थ्योरी और बोयज और सेक्टोरल मॉडल। ये सेक्टोरल मॉडल दिए हैं होमर हॉइट एंड डेविस ने, पोस्टुलेट किया था 1939 में। और ये भी देखिए बेस्ड ऑन देखिए स्टडी ऑफ 64 अमेरिकन सिटीज के ऊपर बेस्ड है ये स्टडी। देन थ्री ऑप्शन थ्री मॉडल देखिए, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल गिवन बाय द सी डी हैरिस एंड वुलमैन, 1945 में दिया था, 1945 में दिया था, और ये बेस्ड ऑन था चिकागो सिटी के ऊपर। और लास्ट मॉडल देखिए एक्सप्लोइटेटिव मॉडल विलियम बोन्स की, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स है ये सब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मॉडल इज आल्सो नोन एज इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सिटी स्ट्रक्चर। इकोलॉजिकल सिटी ऑफ स्ट्रक्चर इस नाम में जाना जाता है कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, ओके। नंबर बी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इन कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ बर्गेस जोन टू रिफर्स टू, जोन टू ऑफ द बर्गेस कॉन्सेंट्रिक मॉडल, जोन टू में क्या था, ठीक है, सीबीडी था, जोन ऑफ बेटर रेसिडेंस था, कमर्शियल जोन था, या जोन ऑफ ट्रांजिशन। तो सेकेंड जोन में था जोन ऑफ ट्रांजिशन। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 5 जोन है, था जोन था बर्गेस की थ्योरी में, ठीक है। और इसमें जो है आपका सर्किल वाइज था, ठीक है, इसे ए सी बी डी हो गया, जोन ऑफ ट्रांजिशन हो गया, जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कमैन हो गया। तो इस तरीके से टोटल 5 जो था सर्किल था, ठीक है, टोटल याद रखिएगा टोटल 5 सर्किल है, ठीक है। तो फर्स्ट सर्कल देखिए सी बी डी था, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड जोन में था जोन ऑफ ट्रांजिशन, थर्ड जोन में जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कमैन्स होम, देन जोन नंबर 4 पे है जोन ऑफ बेटर रेसिडेंस, देन जोन नंबर 5 कंप्यूटर जोन। तो लास्ट जोन में था कंप्यूटर जोन, और फर्स्ट जोन में जो जो है वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी सर्कल्स आर इन सर्कल्स दी सी बी डी प्रोपोज बाई दी कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल। यहाँ पर पूछा गया है कि सी बी डी जो फर्स्ट आपका सर्कल है वो कितने सर्कल्स के द्वारा घिरा हुआ है। तो टोटल होगा आपका, तो टोटल होगा आपका 4, ओके। क्योंकि सी बी डी अभी बताया कि टोटल ये जो कॉन्सेंट्रिक जो जोन मॉडल है यहाँ पर टोटल 5 सर्कल है, ओके। कितना हो, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 है। तो सी बी डी एक हो गया, तो कितना बाकी रहा, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो नंबर डी 4, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, तो फर्स्ट जो सर्कल है वो है सी बी डी, सेकेंड सर्कल है आपका जोन ऑफ ट्रांजिशन, देन थर्ड जोन है आपका जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कमैन होम्स, एंड जोन ऑफ बेटर रेसिडेंस है आपका 4 नंबर पे, ये वाला में, ठीक है। एंड देन लास्ट देखिए जोन नंबर 5 में है कम्यूटर जोन, ओके। दिस इज द टोटल 5 जोन ऑफ दी कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल। देन क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर इज वेज लाइक एक्सपेंशन। वेज लाइक एक्सपेंशन कौन सी अर्बन स्ट्रक्चर में है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल अभी देखा उसमें नहीं था, सेक्टोरल मॉडल ये हो सकता है, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल ये इसमें नहीं है, एंड एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल इसमें भी नहीं है। इस एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल तो आधा सेमी सर्कल में ही ये जो डायग्राम है, ठीक है, आप देख सकते हैं गूगल करके। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सेक्टोरल मॉडल, ठीक है। सेक्टोरल मॉडल में जो है ये वेज लाइक एक्सपेंसर है। देखिए ये वेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है कभी कभी जो है ये बड़ा हुआ है, ठीक है, इसके कारण जो है आपका यहाँ पर वेज बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस थ्योरी का जो है ये जो 5 जोन है वो भी आपको याद रखना है। तो फर्स्ट जोन में है सी बी डी, देन सेकेंड जोन में है मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड जोन में है पोअर हाउसिंग, देन फोर्थ जोन में है मीडियम हाउसिंग, एंड लास्टली सुपरियर हाउसिंग।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर इज सेलुलर स्ट्रक्चर? सेलुलर स्ट्रक्चर में कौन सा अर्बन स्ट्रक्चर है? मल्टीपल मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल, सेक्टोरल थ्योरी एंड कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, एक्सप्लोइटेटिव मॉडल। तो इसका जो है आंसर वो है नंबर ए, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल। ओके, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल पे जो है सेलुलर स्ट्रक्चर में आपका अर्बन स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें याद रखिएगा टोटल जो है आपका 9 जोन है। देन क्वेश्चन नंबर 37, दो लिस्ट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट में है आपका मॉडल कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। सेक्टरल मॉडल, सेक्टरल मॉडल एक्चुअली क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन। सेक्टरल मॉडल है, एक मिनट, मॉडल ऑफ इंटरनल 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 सॉरी मॉडल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज इन विच सोशल ग्रुप्स आर अरेंज अराउंड ए सीरीज ऑफ सेक्टर्स और वेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सीबीडी। यहाँ पर देखिए सेक्टर मॉडल, तो यहाँ पर देखते हैं सेक्टर और वेज, यहाँ पर लिखा है। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड से भी आप याद कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं, जो ये है, ये जो है आपका सेक्टोरल मॉडल है। ओके, देन आपका जो है कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल में हमने क्या देखा? कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल में देखा रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डेफिनेशन में, मॉडल ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज इन विच सोशल ग्रुप्स आर स्पेशली अरेंज इन ए रिंग सीरीज ऑफ रिंग्स। ये जो टर्म है, इसको देख के ही आप जो है डेफिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन बिडरेंट थ्योरी, बिडरेंट थ्योरी है आपका नंबर 3, थ्योरी दैट रिफर्स हाउ प्राइस एंड डिमांड ऑन रियल एस्टेट चेंजेस एज डिस्टेंस टुवर्ड द सीबीडी इंक्रीजेस। देन लास्टली सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो न्यूक्लियस ऑफ द सिटी वेयर रिटेल स्टोर एंड ऑफिसेस आर कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, यहाँ पर ऑफिसेस हैं और रिटेल स्टोर ज़्यादा कंसेंट्रेटेड होता है। तो डी पे 2 देखिए, डी पे 2 नंबर 2 जगह है, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो है एक एक ही आंसर होगा। तो सेक्टरल मॉडल चेक करते हैं, सेक्टरल मॉडल है नंबर 4, तो ये पे देखिए 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका जो आंसर है वो है नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द चंडीगढ़ सिटी वॉज प्लान्ड बाय ले कॉर्बुज़र। ले कॉर्बुज़र ने आपका चंडीगढ़ सिटी प्लान किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, Which was the first planned city of pre-independence of India? Pre-independence of India का जो है first planned city कौन सा है? भुवनेश्वर, इंदौर, भोपाल एंड जयपुर। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर डी, जयपुर। The next questions, important questions, a new approach to functional classification of towns was written by functional classification of towns। ये जो आपका अप्रोच है किसने लिखा था, ठीक है? एस एम अली, एस एम रफीउल्ला, SB सिंह एंड मोनिस राजा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका नंबर डी, एस एम रफीउल्ला। एस एम रफीउल्ला इज रिटन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन्स। क्वेश्चन नंबर 41, थ्रेश होल्ड पॉपुलेशन रिफर्स टू। थ्रेश होल्ड पॉपुलेशन क्या है, ठीक है? थ्रेश होल्ड पॉपुलेशन है आपका किसी भी सर्विस को चलाने के लिए मिनिमम पॉपुलेशन, ठीक है? आपको वो मिनिमम पॉपुलेशन जो है आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? इसके वजह से जो है आपका सर्विस रन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए नंबर सी, मिनिमम पॉपुलेशन साइज रिक्वायर्ड फॉर ए सर्विस। एक सर्विस को आपको अगर आपको चलाना है तो मिनिमम पॉपुलेशन जो आपको दिन में चाहिए, ठीक है, वही है आपका थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें थ्रेशोल्ड मॉडल में आपका ये आता है बहुत, रेंज ऑफ द गुड्स। ये तो आपका थ्रेशोल्ड हो गया, रेंज ऑफ द गुड्स क्या है, ये रहा आपका दूर से, ठीक है, ये आपका थ्रेशोल्ड हो गया, ये है आपका रेंज। रेंज मतलब सब मैक्सिमम डिस्टेंस से
पीपल कितना आ रहा है ट्रैवल करके, मेन जो आपका सिटी सेंटर है वहाँ पर कितना लोग आ रहा है। अगर इस एरिया से भी जा रहा है ठीक है, तो थ्रेशोल्ड आप रेंज ऑफ द गुड्स यहाँ होगा ठीक है, अगर यहाँ से जाता है तो यहाँ पर होगा। तो एक्चुअली रेंज ऑफ द गुड्स वही है, देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस दैट पीपल कैन ट्रैवल टू यूज योर सर्विस, ये आपका रेंज ऑफ द गुड्स है ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर थ्रेशोल्ड मॉडल से है आता है ठीक है। तो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इसका जो आंसर है वो है नंबर सी, मिनिमम पॉपुलेशन साइज रिक्वायर्ड फॉर ए सर्विस। देन क्वेश्चन नंबर 42, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेटलमेंट्स। देखिए साइज से सेटलमेंट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट होगा ठीक है, सिक्वेंसली हम लोगों को लेना होगा। तो इसका जो आंसर है वो नंबर बी, हैमलेट, देन विलेज, देन टाउन, देन सिटी, देन मेट्रोपोलिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सेटलमेंट लोकेटेड ए डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर बैंक्स एंड अदर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड। जब रिवर बैंक और जितने भी लोकल वाटर बॉडीज पॉन्ड वगैरह होता है वहाँ से आपका जो सेटलमेंट है मेन डिस्टेंस में है, दूर में है ठीक है सेटलमेंट, ये आपका वाटर बॉडी यहाँ से जो है आपका आसपास में सेटलमेंट नहीं है, दूर में आपका जो है सेटलमेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, प्रोपोनेंट एंड थ्योरी रिलेटेड विथ दी अर्बन स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए एक थ्योरी दिया गया है और प्रोपाउंडर ठीक है, आपको यहाँ पर मैच रहना होगा, यहाँ पर क्या मैच रहना होगा, कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं हुआ है ठीक है। तो हमारा राइट सेक्टोरल थ्योरी आपको पता है, ये सिंक्लेयर, ये कॉन्सेंट्रिक थ्योरी, कॉन्सेंट्रिक थ्योरी ये जो है सिंक्लेयर का नहीं है, ये आपका है किसका, बर्गस का ठीक है, बर्गस का जो है आपका कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल है ठीक है। देन थ्रेशोल्ड का है आपका सेंट्रल प्लेस थ्योरी, हैरिस एंड उल्मैन का मल्टीपल नेकोले मॉडल, ये सब सही है, बस आपका जो गलत है वो है सिंक्लेयर का कॉन्सेंट्रिक थ्योरी, ये आपका बर्गेस का है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द ट्राइंगुलर पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स डेवलप जनरली, ट्राइंगुलर शेप में आपका रूरल सेटलमेंट कहाँ पर डेवलप होता है, वो होता है नंबर सी, आर द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, जब दो रिवर जो है क्या कहते हैं कन्फ्लुएंस होता है, एक जगह मिलते हैं ठीक है, वहाँ पर जो है आपका सेटलमेंट पैटर्न जो है ट्राइंगुलर शेप में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज माइल सिटी, माइल सिटी नाम में कौन सा सिटी नाम आता है, वो है डेनिफर, नंबर सी डिनीफर। देन 48 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल पैलेस सिस्टम ऑपरेट्स इन ए रीजन ऑफ इन द रीजन इफ K7 इज एप्लीकेबल फॉर ए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट्स। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है K7 पे कौन सा प्रिंसिपल है ठीक है, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो इसका जो आंसर है वो नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि K3 कौन सा प्रिंसिपल है एंड K4 प्रिंसिपल कौन सा है ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रॉम द गिवन डायग्राम ऑफ द मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द अर्बन स्ट्रक्चर डिवाइज बाई सी डी हैरिस एंड उलमैन, आइडेंटिफाई द अर्बन लैंड यूज पैटर्न ऑफ द न्यूक्लियर सेंटर्स ऑफ 3 एंड 6। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको 3 एंड 6 वाला जो आपका डायग्राम है या सेल है उसको देखिए, आपने यहाँ पर देखिए लाइन लाइन करके ड्रॉ किया हुआ है, स्केच किया हुआ है ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सब जो है कौन सा जोन है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 3 पे होगा आपका, नंबर 3 एंड 6 पूछा गया है, नंबर 3 में होगा लो क्लास रेसिडेंशियल एंड नंबर 6 में होगा आपका
हेवी मैन्युफैक्चरिंग। देन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ प्रोजेक्टेड अर्बनाइज्ड वर्ल्ड और यूनिवर्सल सिटी बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टेड अर्बनाइज वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो डिस्क्राइब करता है प्रोजेक्टेड अर्बनाइज वर्ल्ड को और यूनिवर्सल सिटी को, ठीक है, 21st सेंचुरी की एंड तक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इक्यू मेनोपोलिस, ये है आपका करेक्ट आंसर, इक्यू मेनोपोलिस, ठीक है। सो हेयर आई डिस्कस टोटल 50 क्वेश्चन फ्रॉम द सेटलमेंट ज्योग्राफी। ओके, सेटलमेंट आल्सो इट इंक्लूड्स अर्बन ज्योग्राफी। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग सक्सेसफुली। तो अगर इस लेक्चर को पसंद आए फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।